क्लास टेन चैप्टर नंबर फोर क्वालिटिक इक्वेशन एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम न्यू एनसीआर बुक इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं तो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर वन चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वालिटिक इक्वेशन और फर्स्ट पर आपको डे रखा है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर टू टाइम्स एक्स माइनस थ्री आपको बताए कि जनरल इक्वेशन ऑफ क्वालिटी इक्वेशन क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो तो सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दे रखी है उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से रखोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ पर हम सबसे पहले आइडेंटिटी लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी तो यहाँ पर आपका बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन टू एक्स बराबर ये आपका टू क्या हो जाएगा दोनों से मल्टीप्लाई टू एक्स माइनस सिक्स अब राइट साइड वाली टर्म को हम क्या करेंगे मूव करेंगे लेफ्ट साइड तो आपका बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स बराबर है जीरो माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स कैंसिल आउट तो एक्स स्क्वायर प्लस सेवन बराबर जीरो क्वालिटिक इक्वेशन के लिए हमेशा सिर्फ आपका एक्सए वाली टर्म होनी चाहिए बिकॉज अगर आपका एक्सए वाली टर्म नहीं है तो वो हमारा क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा तो अगर हम इसको जनरल इक्वेशन से रिलेट करें तो एक्स वाइल आइटर्म है तो यहाँ पर आप लिखोगे यस इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सल्यूशन सेकेंड पार्ट देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको बनेगा माइनस सिक्स माइनस माइनस प्लस टू एक्स अब हम राइट साइड टर्म को मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो एक्स स्क्वायेर माइनस टू एक्स माइनस सिक्स वहाँ जाके प्लस सिक्स प्लस टू एक्स वहाँ जाके माइनस टू एक्स बराबर जीरो एक्स स्क्वायेर माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स प्लस बराबर जीरो अगर मैं इसको रिलेट करूँ जनरल इक्वेशन से तो एक्सक्वायेर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो तो xy टर्म यहाँ पर है तो so, मतलब इसका आंसर क्या बन गया यस इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन पार्ट नंबर थ्री यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन दे रखिए एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन बराबर है एक्स माइनस वन प्लस वन सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाली टर्म आपकी मल्टीप्लाई होगी प्लस वन से माइनस टू वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी हो हो एक्स प्लस वन से बराबर है एक्स वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी एक्स प्लस थ्री से माइनस वन आपकी टर्म मल्टीप्लाई होगी एक्स प्लस थ्री से एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स वन एक्स अब यहाँ पर आपने ध्यान से माइनस टू को मल्टीप्लाई करना तो माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू बन जाए माइनस टू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस ऑफ थ्री राइट साइड वाली टर्म जितनी भी आपको उसको मूव करेंगे लेफ्ट साइड तो आपको बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स प्लस थ्री बराबर है जीरो एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल आउट या आपको बने माइनस एक्स माइनस टू माइनस टू एक्स प्लस थ्री बराबर ज़ीरो माइनस माइनस प्लस तो माइनस थ्री एक्स प्लस वन बराबर जीरो अगर आप इसे जनरल इक्वेशन से रिलेट करोगे तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म आपकी मिसिंग है तो यहाँ पर आप लिखोगे नो इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये हो गया हमारे इस पार्ट का सल्यूशन पार्ट नंबर फोर सबसे पहले हम वन बाय वन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स मल्टीप्लाई बाय टू एक्स प्लस वन माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर फाइव इंटू एक्स फाइव एक्स एक्स इंटू टू एक्स टू एक्स स्क्वायर एक्स जा एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस ऑफ थ्री बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स राइट साइड वाली टर्म को मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो आपका बनेगा टू एक्सक्वायर एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स बराबर है जीरो टू में से वन गया तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस टेन एक्स माइनस थ्री बराबर है जीरो अगर आप इसको जनरल इक्वेशन से रिलेट करोगे तो आपकी एक्स एक्सर्म प्रेजेंट है तो यहाँ पर आप लिखोगे यस इट इज़ ए क्वार इक्वेशन पार्ट नंबर फाइव सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस थ्री माइनस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस थ्री बराबर है एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वन प्लस फाइव मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वन अब टू एक्स से इन दोनों तो को मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स स्क्वायेर माइनस थ्री टू जैसा सिक्स एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री बराबर है एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स फाइव एक्स माइनस ऑफ फाइव अब राइट साइव टर्म को मूव करेंगे लेफ्ट साइड तो आपका बनेगा टू एक्स माइनस माइनस प्लस तो माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव बराबर जीरो टू एक्सक्वायर में से वन एक्स एक्सक्वायर गया तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव माइनस फोर एक्स माइनस सेवन एक्स माइनस इलेवन एक्स प्लस एट बराबर जीरो अगर आप इसके सामने जनरल इक्वेशन लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो तो एक्स एक्सक्वेयर वाली टर्म आपकी प्रेजेंट है और इसके अलावा कोई हायर टर्म नहीं है तो मतलब यस इट इज ए क्वालिटिक इक्वेशन पार्ट नंबर सिक्स लेफ्ट हैंड साइड में आपके ऑलरेडी टर्म सिंपलीफाइड है तो इसको इज नोट डाउन करेंगे यहाँ पर आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी अब हम राइट साइड वाले टर्म को मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस फोर एक्स बराबर जीरो एक्स से एक्सक्वायर कैंसिल आउट थ्री एक्स प्लस फोर एक्स सेवन एक्स प्लस वन माइनस फोर माइनस थ्री बराबर ज़ीरो अगर आप इसे जनरल इक्वेशन से रिलेट करोगे तो यहाँ पर आपकी टर्म प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर लिखोगे नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट नंबर सेवन यहाँ पर आपको दे रखा है ए प्लस बी का होल क्यूब तो सबसे पहले यहाँ पर हमको फॉर्मूला आपको बता देता हूँ तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री बी स्क्वायर है यहाँ पर हम इसी फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करेंगे तो आपका बनेगा एक्स यू प्लस टू का क्यूब एट प्लस थ्री एक्सक्वायर मल्टीप्लाई बाय टू प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय टू का स्क्वायर इन टू एक्स बराबर है टू एक्स को से so, मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स क्यूब माइनस ऑफ टू एक्स तो एक्स क्यू प्लस एट प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर फोर जीरो ट्वेल्व एक्स इन दोनों टर्म को मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है जीरो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स क्यूब सिक्स एक्स स्क्र एज इट इज ट्वेल्व एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर्टीन एक्स प्लस एट बराबर जीरो अगर आप यहाँ पर ध्यान से रखोगे तो एक्स स्क्वेयर के अलावा एक हायर टर्म आपकी प्रेजेंट है तो यहाँ पर आप लिख दोगे नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट नंबर एट लेफ्ट साइड में आपकी टर्म पहले से ही सिंप्लीफाइड है बट अगर आप यहाँ पर देखो तो ए माइनस बी का होल क्यूब तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला आपको बता देता हूँ ए माइनस बी का होल क्यूब डैट इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री बी स्क्वायर तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस टू का होल क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू टू प्लस थ्री टू का स्क्वायर इंटू एक्स तो यहाँ पर आपकी टर्म बनेगी एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर एक्स क्यूब एज इट इज माइनस टू का क्यूब एट माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एल एक्स प्लस ट्वेल्व एक्स अब राइट साइड टर्म को मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो आपको बनेगा एक्स क्यूब माइनस फोर स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स क्यूब प्लस एट प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वेल्व एक्स बराबर जीरो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट माइनस फोर एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स टू माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस एक्स माइनस थर्टीन एक्स एट प्लस वन नाइन बराबर जीरो तो अगर आप इसको जनरल इक्वेशन से रिलेट करोगे एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो तो यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर आपको एक सिचुएशन प्रॉब्लम दे रखी है और यहाँ पर आपको सिर्फ इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है उसको आपने सॉल्व नहीं करना बिकॉज सॉल्व करने का मेथड आपको फर्दर एक्सरसाइज में सिखाया जाएगा तो यहां पर हम सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम को इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहे हैं द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज फाइव ट्वेंटी एट मीटर स्क्वायर लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट यहां पर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आपको गिवन है 528 मीटर स्क्वायर द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ मतलब लेंथ आपकी टोटली totally किस पे डिपेंड है ब्रेथ तो यहां पर आप लेट करोगे लेट द ब्रेथ को आपने मान लिया x मीटर तो अगर आपकी ब्रेथ x मीटर है तो लेंथ क्या होगी यहां पर आपको बोला गया है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज यहां पर समझाया तो ये कैसे बनाया हमने द लेंथ ऑफ द्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट ब्रेथ और ब्रेथ को अगर आप एक्स मानोगे तो लेंथ क्या बन गया वन मोर देन मोर देन मतलब प्लस और ट्वाइस ऑफ ब्रेथ टू टाइम्स एक्स तो यह आपकी इन टर्म ऑफ एक्स आपकी लेंथ ऑफ ब्रेथ बन गई अब यहां पर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट दे रखा गया फाइव ट्वेंटी एट आपको बताया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इन टू ब्रेथ एरिया की जगह पुट करोगे फाइव ट्वेंटी एट लेंथ की जगह पुट करोगे वन प्लस टू एक्स और ब्रैथ की जगह पुट करोगे एक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो एक्स बन जाए एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायेयर बराबर है फाइव ट्वेंटी एट अब टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस फाइव ट्वेंटी एट बराबर है ज़ीरो और ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज अगर आप इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो आपका रिप्रेजेंटेशन बन रही है तो यही आपको इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करनी थी यहाँ पर आप अभी एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते बिकॉज अभी आपको इसको फाइंड आउट करने के मेथड अभी आपको अभी नहीं बताए उसको हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज फोर पॉइंट टू में क्वेश्चन नंबर टू द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज थ्री जीरो सिक्स वी नीड टू फाइंड आ इंटीजर यहाँ पर आपको एक वर्ड आया है कॉन्जिकेटिव कॉन्जिकेटिव का मतलब होता है कि साथ साथ वाले जैसे वन टू टू थ्री फोर फाइव सेवन एट तो ये हमारे कॉन्जिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर है तो यहां पर आपने लेट कर लिया लेट डी टू कॉन्जिकटिव पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स एन एक्स प्लस वन बिकॉज अगर सपोज एक्स आपका फाइव है तो अगला नंबर क्या होगा फाइव प्लस वन सिक्स तो ऐसे ही आप एक नंबर बना सकते हो एक्स और एक एक्स प्लस वन अब यहां पर आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिकॉज मतलब एक्स इंटू एक्स प्लस वन बराबर है थ्री जीरो सिक्स के अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स वन जो एक्स बराबर है थ्री जीरो सिक्स प्लस थ्री जीरो सिक्स को मूव करेंगे लेफ्ट साइड तो आपका बनेगा माइनस थ्री जीरो सिक्स बराबर जीरो तो ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस सिचुएशन तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर टू का सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर थर्ड रोहन मदर इज ट्वेंटी सिक्स ओल्डर देन हिम द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज थ्री ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी थ्री सिक्सटी वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज तो यहाँ पर आपने लेट कर लिया लेट दी प्रजेंट एज ऑफ रोहन को मान लिया आपने एक्स ईयर अगर रोहन की एज अभी एक्स ईयर है तो रोहन मदर एज क्या है वो ट्वेंटी सिक्स ओल्डर देन हिम है तो रोहन मदर एज इज एक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स ईयर ये कहाँ पर लिखा है यहाँ पर द रोहन मदर इज़ ट्वेंटी सिक्स ईयर्स ओल्डर देन हिम मतलब रोहन से रोहन की मदर छब्बीस साल क्या है बड़ी है तो ये तो आपके बन गए इन टर्म ऑफ एक्स दोनों की वैल्यू अब यहाँ पर आपको बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ एज रहीजी थ्री ईयर्स फ्रॉम नाउ थ्री ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब तीन साल बाद थ्री ईयर्स फ्रॉम नाउ अगर आज रोहन की एज अगर एक्स ईयर है तो तीन साल बाद रोहन की एज कितनी होगी एक्स प्लस थ्री ईयर्स होगी और रोहन की मदर एज में भी क्या हो जाएगी तीन साल इंक्रीज हो जाएगी तो एक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स में हम तीन साल को एड ऑन कर देंगे तो आपका बनेगा एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन ईयर्स अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजिस थ्री ईय फ्रॉम नाव मतलब तीन साल बाद दोनों की जो एजिस का प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा थ्री सिक्सटी के बराबर होगा द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजिस थ्री ईयर्स फ्रॉम नाव विल भी थ्री सिक्सटी तो एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन बराबर है थ्री सिक्सटी के अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आप लिखोगे एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वे थ्री इंटू एक्स थ्री एक्स ट्वेंटी नाइन इंटू एक्स ट्वेंटी नाइन एक्स और ट्वेंटी नाइन इंटू थ्री प्लस थ्री सिक्सटी वहाँ जाके माइनस थ्री सिक्सटी बराबर है जीरो तो एक्स स्क्र प्लस ट्वेंटी नाइन प्लस थ्री थर्टी टू एक्स प्लस थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन थ्री टू जा सिक्स एटी सेवन माइनस ऑफ थ्री सिक्सटी बराबर है जीरो एक्स स्क्र प्लस थर्टी टू एक्स प्लस माइनस माइनस थ्री सिक्सटी में से हम एटी सेवन को क्या करेंगे माइनस यहाँ पर आएगा फाइव यहाँ पर आपका टेन टेन में सेवन गए थ्री टू वन फिफ्टीन में से एट गए सेवन टू तो माइनस ऑफ टू सेवेंटी थ्री बराबर है जीरो तो ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस सिचुएशन क्वेश्चन नंबर फोर ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ फोर एटी किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन है किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन थ्री इयर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन कभी भी ट्रेन वाला क्वेश्चन आए इन टर्म ऑफ डिस्टेंस स्पीड और टाइम तो आपने सबसे पहले तीनों के वेरिएबल को लेट करना है यहां पर आपको डिस्टेंस गिवन है फोर एट्टी किलोमीटर ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ फोर एट्टी किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड तो मतलब स्पीड आपकी क्या है एक्स किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना लग रहा है टी आवर्स अगर मैं इस तीनों कंडीशन को इन टर्म ऑफ रिलेशन से फाइंड आउट करें तो आपको पता है कि स्पीड किसके बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड आपके पास एक्स डिस्टेंस आपके पास फोर एट्टी अपॉन टी यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है स्पीड तो मतलब हम टाइम की वैल्यू इन टर्म ऑफ स्पीड फाइंड आउट कर लेंगे तो इन दोनों को हमने रेसिप्रोकल किया तो ये का क्या बन गया t बराबर है फोर एटी अपॉन एक्स अगर वो स्पीड को आठ किलोमीटर पर आवर लेस कर देता है अभी वो किस रफ्तार से चल रहा है एक्स किलोमीटर पर आवर से अगर वो स्पीड को कम कर देता है अगर वो आठ किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं तो उसको टाइम क्या लगेगा ज़्यादा लगेगा पहले कितना लग रहा था टी आवर्स अब कितना लग रहा है तीन घंटे ज़्यादा लगेंगे पिछले से अगर हम रिलेट करें तो टी प्लस थ्री आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस ये तो आपका कॉमन सेंस ही है कि अगर आप रफ्तार बढ़ाओगे तो समय क्या लगता है कम लगेगा और अगर आप रफ्तार को कम करोगे तो समय क्या लगेगा ज़्यादा लगेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए अगर मैं इस रिलेशन को लिखूं तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ये चीज चीजें डिवाइड है वहां जाके मल्टीप्लाई तो आपका बन गया x माइनस एट मल्टीप्लाई ट्री प्लस थ्री बराबर है फोर एटी अब यहाँ पर आपके दो वेरिएबल आ गए स्पीड आ गई और आपका टाइम आ गया बट फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन आपकी ट्री की वैल्यू इन टर्म ऑफ एक्स है तो हम इसको क्या कर देंगे पुट कर देंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आप लिखोगे पुट दी वैल्यू ऑफ टी फोर एटी अपॉन एक्स इन इक्वेशन नंबर टू इसको आपने लाइट कर लिया इक्वेशन नंबर टू तो आपका बनेगा एक्स माइनस एट फोर एटी अपॉन एक्स प्लस थ्री बराबर है फोर एटी सबसे पहले इन दोनों का क्या लोगे एल्सियम लोगे तो आपका बनेगा एक्स माइनस एट फोर एटी प्लस थ्री एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स बराबर है फोर एटी एक्स यहाँ पर डिवाइड है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई तो so, आपका बनेगा एक्स माइनस एट फोर एटी प्लस एक्स इंटू थ्री इज इक्वल टू फोर एटी एक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर एटी एक्स माइनस एट इंटू फोर एटी प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर एक्स बराबर है फोर एटी एक्स फोर एटी एक्स से फोर एटी एक्स कैंसिल आउट तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन बनी थ्री एक्स स्क्वायेर माइनस ट्वेंटी फोर एक्स माइनस एट इंटू फोर एट्टी बराबर है जीरो तीनों टर्म आपकी थ्री की मल्टीपल है तो थ्री आपका कॉमन आया तो एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस एट इंटू वन सिक्स जीरो बराबर है जीरो तो एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस सिक्सटीन एट जा वन ट्वेंटी एट जीरो इज इक्वल टू जीरो तो ये आपकी बन गई क्वालिटी इक्वेशन दिस सिचुएशन तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन